गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और अभी थोड़ी देर पहले हम दोनों लोग सो रहे थे और बस मैं अभी सो के उठी हूँ, कंघी अंगी की है और अभी जा रही हूँ इसका कुछ काम करने। इसकी जो फरमाइश है वो पूरी करने जा रही हूँ। क्या करवाना है आपको? क्या कराना है? मेकअप कराना है। हाफ कराना है, फुल कराना है? फुल। ये ना मेरे पीछे कल से पड़ी है कि दीदी आपके पास सारा मेकअप का सामान है। ये छोटी सी आपको लगती है, यहाँ कैमरे में नहीं बोल रही है, बहुत बोलती है। मेरा सामान इसने देख लिया, कह रही है कि आपके पास सारा मेकअप का सामान है, मुझे मेकअप करना है, एक बार मेरा मेकअप करो। क्या बनना है आपको? क्या बनना है? पापा की पापा की परी बनना है। कह रही थी दीदी मुझे ऐसे तैयार करो, पापा की परी बना दो। तो मैंने कल, मुझे टाइम नहीं मिला ना, ये सुबह से मेरे पीछे घूम रही है कि अभी फ्री हो जाए, अभी फ्री हो जाए, मेरा मेकअप कर दे। तो फाइनली मैं सो के उठी थी तो मैंने इसका पहले चेहरा देखा। सबसे पहले मैंने कि ऐसे बोलेगी, अभी भी दीदी ने मेकअप नहीं करा, तो मैं इसका मेकअप करने जा रही हूँ। और पहले मैंने इससे कहा कि भाई मेकअप से स्किन ख़राब हो जाएगी, बच्चे मेकअप नहीं करते हैं। तो कह रही नहीं आप मुझे थोड़ी देर के लिए पापा की परी बना देना, फिर मम्मी मेकअप साफ कर देगी तो मैं सही हो जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो चलो थोड़ी देर के। आपको अच्छा लगता है मेकअप कराना? ऊपर का अच्छे से बोलो, अच्छा लगता है मेकअप कराना? हाँ। अच्छा लगता है। हाँ। और मेकअप में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? लिपस्टिक। यानी कि लिपस्टिक फेवरेट है? हाँ, आपको लिपस्टिक बहुत पसंद है। कौन सी कलर की? विश कलर नहीं, कोई कलर कलर पिंक कलर, यानी कि गर्ल्स का तो पिंक वैसे भी फेवरेट होता है। तो चलो अभी हम चल रहे हैं, इसकी ड्रेस निकालते हैं। ड्रेस निकालते हैं, कौन सी ड्रेस पहनोगे? हरी। चलो हरी ड्रेस निकालते हैं। और ये मेरी दीदी की बेटी है, वैसे तो सब लोगों को पता ही होगा, जो बुआ जी की बेटी है इन्हें ना, ये उन्हीं की बेटी है। और एक दिन मैं अपनी चोटी कर रही थी तो सारा सामान बाहर लेके आई, तो इसने सामान देख लिया। उस दिन से पीछे पड़ गई कि मुझे मेकअप करना है, आपके सामने पास पूरा सामान है मेकअप का। और बहुत ज़्यादा मेकअप का शौक है, मैं माना गर्ल्स को होता है मेकअप का शौक, छोटे से ही होता है, लेकिन इसको कुछ बहुत ही इंटरेस्ट है और हर चीज़ में, मतलब कि इतना जानती तक है, बता तक रही थी मुझे ये वाला आई साइडर पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। और यहाँ पर मैं इतना सारा सामान ले आई हूँ, लेकिन मुझे इतना इसका डार्क मेकअप नहीं करना है। वैसे भी बच्चे वो तो वैसे ही क्यूट लग रही है, लेकिन उसका मन था तो मैंने सिंपल सा थोड़ा सा मेकअप कर दे रही हूँ। और आई मेकअप करूँगी क्योंकि वही बच्चों को ज़्यादा दिखता है, उसी का ये बार बार बोल रही थी, और ज़्यादा नहीं मेकअप करना है। और यहाँ पर मेरे पास प्राइमर नहीं था ना, तो मैंने वो लगा दिया, क्रीम लगा दिया। एंड मेरे पास रोज़ वाटर टोनर था, तो पहले मैंने वो लगा दिया है। और यहाँ पर ये चाची का बेटा बार बार इसे देख रहा था, तो कह रही है बाहर निकलो, मुझे मेकअप करना है, बार बार गेट लगा के आ रही है। अब वो पूरे से लॉक कर रहा है ये गेट को। और यहाँ पर ना हर चीज़ को बहुत शौक है। मैंने ये कॉम्पैक्स के वाले वो जो फॉर्म नहीं होता, उससे मैंने इसका पाउडर लगाया, तो कह रही है नहीं मुझे ब्रश से लगाओ, तो फिर मैंने ब्रश से लगाया। यहाँ पर आई साइड हो रहा है इनका। इसका मेकअप जैसे ही करने बैठी ना, वैसे ही लाइट चली गई, अंदर इतनी भयंकर गर्मी थी। देखो मेरा तो पसीना से बेहाली हो जा रहा है, फिर इसका जितना मेकअप मैंने किया उससे ज़्यादा पसीना से बह गया, लेकिन फिर भी मैंने धीरे धीरे एडजस्ट कर दिया है, मैंने कि उसका मन रह जाए। इस तरह का कुछ इसका मेकअप हो गया, सिंपल सा। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा हो? पक्का?
और गर्मी की वजह से थोड़ा सा क्या है कि पसीने में और यहाँ वहाँ कुछ मुझे भी उलझन हो रही थी ना पसीने से, तो मैं भी अभी इसको नेल पेंट भी लगवाने लेके बैठी, अब ये भी लगा दें, अब पूरा तो कर दें जब किया है। और इसके पास ना कोई भी ब्रेसलेट और चूड़ी नहीं है, ये मेरे रखे थे तो ये बोल रही थी ये वाले पहनने, इसके होने नहीं है लेकिन मैं पहना देती हूँ थोड़ी देर के लिए उसे, अच्छा यहाँ पहना दे इसके, यहाँ पर अच्छा लगेगा, आप हाथ मत नीचे करना नहीं तो निकल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इनका चल रहा है फोटो शूट, मतलब कि मैंने कहा थोड़ा एक आध फोटो ले लेते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा मेकअप नहीं किया है और ड्रेस भी मुझे कुछ खास नहीं लगी इसकी, लेकिन सही लग रही है, लेकिन फ्रॉक वगैरह कोई होती वो पहनाती ज़्यादा सही लगती, लेकिन फिर भी देखो मस्त है वो। और यहाँ पर ना इसके बालों में ऑयल डला था तो थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी नहीं अच्छी से बन पाई है, फिर मुझे बनानी भी नहीं आती। जितना उसने मेकअप किया उससे ज्यादा उसका पसीना में बह गया। चलो जाओ चले जाओ ऊपर। यही निकाले थे बैग से फ्रॉक कौन से मुझे देखे नहीं। क्या हो गया अब, क्या हो गया? अच्छा सैंडल की कमी रह गई अभी पहनने में ना। और अभी ना ये थोड़ा सा बादल हो गया है ना, उस वजह से यहाँ पर हम लोग बाहर बैठे हैं, यहाँ के अंदर लाइट नहीं आ रही है और बाहर बैठे हैं तो बाहर ना बादल की वजह से क्लियरिटी नहीं आ रही है। आपको क्यूट लगती हूँ, को लाइक करना। क्यूट लग रहे हो, बहुत क्यूट लग। और यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है और मम्मी ने भिंडी काट के रखी हुई थी बना रहे, बोलने रही थी कि भिंडी की सब्जी बनानी है तो फिर मैंने यहाँ पर बना ली। और थोड़ा सा ना आज खाना जल्दी कर लिया है क्योंकि शाम को मम्मी को जाना है कहीं से, यहाँ पर मतलब कि शादी हो रही है भैया की किसी के, मतलब हमारी फैमिली से थोड़ा पता नहीं है, फैमिली में आते हैं कि फैमिली से अलग हैं नहीं है मुझे पता, तो उन्हीं की शादी है तो ब्लाउ वगैरह आए हैं तो वहीं जाएंगी मम्मी। और यहाँ पर ये मेरी छोटी वाली चाची हैं ये भी वहीं जा रही हैं, तो साड़ी में पिन लगवाने आई हैं, तो मेरे पास वैसे मुझे आती नहीं है लेकिन हाँ दूसरों को तो लगा देती हूँ, एडजस्ट कर से जैसे भी बन जाता वैसे लगा देती हूँ। और यही है मेरी सबसे छोटे वाली चाची। और यहाँ पर शाम की चाय हो चुकी है लेकिन मैंने चाय नहीं पी है, मम्मी और पापा पी चुके हैं चाय, विवेक चाय पीता नहीं है, तो यहाँ पर मैं और अपने लिए विवेक के लिए नींबू वाला शरबत बना रही हूँ क्योंकि इतनी गर्मी है ना चाय पीने का मन ही नहीं कर रहा था। और बस इसी के साथ मैं करूँगी अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आज की वीडियो की क्लियरिटी थोड़ा सा ठीक नहीं है क्योंकि वो बादल हो रहे थे, लाइट आ नहीं रही थी उस वजह से, तो